हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आपने मेरे पहले के वीडियो देखे, उसमें मैंने महंगे महंगे और प्रीमियम मोबाइल्स के बारे में आपको डिस्कस किया, उसमें रिव्यू दिया आपको। आपने 50,000 का मोबाइल देखा, 80,000 का मोबाइल देखा, 1,00,000 का भी देखा, 1,50,000 का भी देखा। इतने महंगे महंगे मोबाइल्स देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कुछ ऐसे मोबाइल्स का भी रिव्यू होना चाहिए जो काफ़ी सस्ते हो, जिनकी प्राइस इतनी हो जो सबके हाथ में आ जाए। ऐसा एक मोबाइल मैं लेकर आया हूँ जो कि ब्रांडेड है, कहीं से वीक मोबाइल नहीं है, ऐसा मोबाइल नहीं है जिसके बारे में आप जानते ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये Xiaomi कंपनी का मोबाइल है, Redmi A3। इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, ये तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही जान पाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर पहली बार नहीं है तो चैनल को शेयर करिए, दूसरे लोगों को पहुँचाइए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये फ़ोन जो है पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ट में है, क्योंकि ये फ़ोन आपको 7,000 से भी कम में मिलेगा। तो इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक ही है, हालांकि इसका जो बैक साइड है वो मैट फिनिश या थोड़ा सा रफ फिनिश का बनाया गया है, जिससे इसको लेदर लुक देने की कोशिश ज़रूर करी गई है। तो आपके हाथ में जब वो आएगा तो आपको बड़ा प्रीमियम फील देगा। इसके अलावा इस फ़ोन का जो कैमरा मॉड्यूल है वो बहुत ही प्रीमियम हाई एंड मोबाइल के कैमरा मॉड्यूल की तरह ही उसको बनाया गया है। दूर से देखने में कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये 7,000 के आसपास का फ़ोन है। 7,000 का फ़ोन होने के बावजूद इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो एक अच्छे फ़ोन में होती हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड माउंटेड 3.5 mm का जैक भी आपको मिलेगा, स्पीकर भी आपको अच्छा मिलेगा, हालांकि डॉल्बी या स्टीरियो जैसा तो नहीं मिलेगा, मोनो स्पीकर मिलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। 4G मोबाइल है, डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा आपको, जो कि दोनों ही आप फिजिकल सिम यूज़ कर सकते हैं, और डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी आपको मिलेगा, आप अपनी मेमोरी को बढ़ा भी सकते हैं, और आपको डुअल वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि कहीं से किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.71 इंच की डिस्प्ले है, और एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं है, ये आपकी IPS LCD डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका, और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आपको ये मिलेगा, यानी कि अगर आप इसको बहुत ब्राइट लाइट में या बहुत ब्राइट सनलाइट में बिल्कुल डायरेक्ट लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा एवरेज लाइट लगेगी आपको। बाकी आपको अगर डिम लाइट में या नॉर्मल रूम लाइट में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें विजिबिलिटी की कोई भी इशू नहीं आपको मिलेगा। कंटेंट जो आप इसमें देखेंगे वो फुल HD का कंटेंट मिलेगा, 1080p का, और Dolby Vision जैसा कोई सपोर्ट या HDR का सपोर्ट नहीं है इस प्राइस रेंज में, इसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा आपको। इतना सब होने के बावजूद डिस्प्ले में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो है गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिलने से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है डिस्प्ले की बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है, और इस प्राइस रेंज में गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G36 का प्रोसेसर इसमें पड़ा हुआ है, जो G35 की रीब्रांडिंग है, इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया है, और LPDDR4X की रैम आपको इसमें मिलेगी, eMMC का स्टोरेज टाइप मिलेगा। जो रैम है वो 3 तरह की रैम इसमें मिलेगी, 3 वेरिएंट इन्होंने इशू करे हैं, 3 GB रैम, 4 GB रैम और 6 GB रैम, और स्टोरेज टाइप जो है वो 64 GB का मिलेगा और 128 GB का मिलेगा। इसी के हिसाब से इनकी प्राइस भी सेट करी गई है, जो लोएस्ट वेरिएंट है उसकी प्राइस है 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये, इसके अलावा अगर आप कुछ कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं तो और आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 7,000 के नीचे ही पड़ जाएगा। तो इतना सस्ता मोबाइल होने के बावजूद आपने देखा इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, प्रोसेसर की क्वालिटी भी अच्छी है, और बाकी सारी चीज़ें वाईफाई वगैरह भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप एक नॉर्मल फ़ोन लेना चाहते हैं जो बहुत हाई एंड नहीं है, आपको डेली पर्पज़ के लिए फ़ोन चाहिए, तो आपके लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा हो सकता है। कैमरे की बात करें तो 8 MP का मेन कैमरा है और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है सेल्फी के लिए। तो
कैमरा मॉड्यूल तो ज़रूर इसका बहुत ही हाईटेक बनाया गया है, लेकिन कैमरा जो है वो एवरेज साई है, और आपको इसमें जो इमेज क्वालिटी मिलेगी, आप समझ सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में इमेज क्वालिटी कैसी मिल सकती है। आपको एवरेज से थोड़ा अबव इमेज क्वालिटी मिलेगी। वीडियो वगैरह आप 1080p का इसमें आप शूट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। 5000 वॉट की बैटरी के साथ ये फ़ोन आपको मिलेगा, 10 वॉट का चार्जर आपको मिलेगा इसके साथ, टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिलेगी, सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगी। इस प्राइस रेंज में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, चार्जर मिल रहा है, जबकि आप जानते हैं बड़े से बड़े मोबाइल में आजकल चार्जर नहीं मिल रहा है। तो बेसिक सा चार्जर ज़रूर है, लेकिन 5000 mAh की जो बैटरी है उससे आपको बैकअप पूरे एक दिन का मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड्रॉयड 14 पर ये फ़ोन रन करेगा। इसमें MI का कोई अपना खुद का UI नहीं दिया गया है, क्लीन UI को ही कस्टमाइज कर दिया गया है। थोड़ा सा ऐप्स वगैरह भी पहले से आपको मिलेंगे पड़े हुए, इनको आप बाद में अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फ़ोन में बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है और सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करी गई है, ताकि इस प्राइस रेंज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि कैमरा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर दे दिया है इस प्राइस रेंज में। कैमरा 32 मेगापिक्सल का भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, ये इनकी अपनी पॉलिसी है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन 7000 के प्राइस रेंज में जस्टिफाई करता है। आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है ये स्पेक्स जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।